दोस्तों, यूरोपियन कॉलोनीज में पुर्तगाल भारत का सबसे पहला उपनिवेशी माना जाता है। 1498 में पहली बार पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को द गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने के रास्ते को खोजा था। यही वो कड़ी थी जहां से भारत के दरवाजे यूरोप के लिए खुल गए थे। यूं तो हम ब्रिटिशर्स को ही भारत का सबसे बड़ा उपनिवेशी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के सबसे बड़े तबके पर राज किया। मगर हम अवधि की बात करें तो पुर्तगाल ब्रिटिशर्स से भी लंबे समय तक राज करने वाला भारत का सबसे बड़ा उपनिवेशी था। पुर्तगाल ने भारत पर 1510 से लेकर 1961 तक राज किया। इनका इलाका गोवा हुआ करता था। आजादी के बाद उनकी ये कॉलोनी यहां अपना शासन अच्छे से चला रही थी। हालांकि भारत सरकार गोवा को भारत का ही इलाका मानती थी, ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद गोवा को भारत में मिलाने के कई शांतिप्रिय प्रयास किए, मगर हर बार उन्हें मुक्की खानी पड़ी। साल 1954 में कुछ भारतीय लोगों ने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित दादर और नगर हवेली के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। जब पुर्तगीज सरकार को इसकी खबर लगी तब उन्होंने इसकी शिकायत हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की। इस कोर्ट का फैसला था कि भारतीय लोगों द्वारा कब्जाया गया ये क्षेत्र पुर्तगाल का है। ऐसे में इस पर उनका दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। गोवा में मौजूद पुर्तगाल सरकार के ये तेवर पंडित जवाहरलाल नेहरू को रास नहीं आ रहे थे। साथ ही साथ नेहरू की बातचीत वाली पेशकश भी पुर्तगीज सरकार को मंजूर नहीं थी, लिहाजा नेहरू का इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना लाजमी हो गया था। इसी बीच भारत के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन भी जवाहरलाल नेहरू को गोवा पर सैन्य कार्रवाई के लिए मनाने में लगे थे। उनका कहना था कि गोवा भारत के चेहरे पर मौजूद एक फुंसी के समान है जो कभी भी बड़ा होकर दर्दनाक जख्म बन सकता है। मगर प्रधानमंत्री के मन में गोवा को लेकर अभी भी एक मेंटल ब्लॉक था। वे गोवा को शांतिप्रिय तरीके से ही भारत में शामिल करने के पक्ष में थे। कई दिनों के प्रयास के बाद आखिर कृष्णा मेनन जवाहरलाल नेहरू को मनाने में कामयाब हो जाते हैं और शुरू होती है गोवा को भारत में शामिल करने वाली सैन्य कार्रवाई। इस सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी 2 दिसंबर 1961 में, जहां भारतीय सैनिक अपने कई दस्तों के साथ आगरा, हैदराबाद और मद्रास से बेलगांव पहुंचे। इसी बीच अमरीकी राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ ने भारत आकर कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके इस फैसले को बदलने की सिफारिश की। ऐसे में नेहरू ने भी अमरीकी दबाव को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन की तारीख 14 दिसंबर से बदलकर 16 दिसंबर तक कर दी। अमेरिका का यह हस्तक्षेप पुर्तगाल सरकार को रास आ रहा था, ऐसे में वे पूरी तरह से बेफिक्र हो गए। उनका मानना था कि अमेरिका के आ जाने से पुर्तगाल सरकार का पगड़ा भारी हो गया है, ऐसे में चिंता की अब कोई बात नहीं। मगर जरूरत से ज्यादा बेफिक्र रहना इंसान को कर्तव्यहीन बनाता है। पुर्तगाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 17 दिसंबर 1961 के रोज जब जॉन केनेथ गालब्रेथ ने जवाहरलाल नेहरू को फिर से सैन्य कार्रवाई पोस्टपोन करने की तजवीज की, तब कृष्णा मेनन ने गुस्से से जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब 16 दिसंबर खत्म हो गया है और भारतीय सेना आदेश के अनुसार गोवा में पहुंच चुकी है। ऐसे में उन्हें वापस बुलाना अब पूरी तरह से मुश्किल है। वीके कृष्णा मेनन के मुंह से निकले ये आत्मविश्वास से भरे शब्द गालब्रेथ के कानों में किसी तीर की तरह चुभे। भारत ने अमरीकी हस्तक्षेप के बावजूद भी पुर्तगाल पर कार्रवाई को रोका नहीं था। ऐसे में खुद अमरीकी राजदूत का भारत में उपस्थित रहना भी पुर्तगालियों को किसी काम नहीं आया। उधर भारतीय सेना ने 17 दिसंबर की रात गोवा की सरहद को पार किया। इस वाक्य को बयां करते हुए कई इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं, भारतीय सेना को गोवा के इलाकों में घुसने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। गोवा पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल कैडेट के नेतृत्व में 17 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी। 18 दिसंबर की सुबह भारतीय सैनिक उत्तर में सावंतवाड़ी, दक्षिण में कारावार और पूर्व में बेलगांव से गोवा में घुसे। इसी बीच भारतीय विमानों ने पूरे गोवा में पर्चे गिराकर गोवा वासियों को शांत और बहादुर रहने के लिए कहा। इन पर्चों में लिखा था कि आप अपनी आजादी पर खुश होइए और उसे मजबूत करिए। 18 दिसंबर की शाम आते आते भारतीय सैनिक ने गोवा के राजधानी शहर
पंजिम को चारों तरफ से घेर लिया था। इसी बीच कुछ स्थानीय लोग भी भारतीय सेना का साथ दे रहे थे। वे उन्हें उन खुफिया जगहों के बारे में बता रहे थे जहां पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। इसी बीच भारतीय वायुसेना भी अपना काम बखूबी कर रही थी। भारत के कई लड़ाकू विमानों ने सबसे पहले पुर्तगाल के डेबुलिन हवाई अड्डे को अपना निशाना बनाया। इस हवाई हमले की कमान स्क्वाड्रन लीडर जयवंत सिंह के हाथों में थी। 18 दिसंबर की सुबह उनके नेतृत्व में 6 हंटर विमानों ने पुणे के वायुसेना हवाई अड्डों से उड़ान भरी। सबसे पहले उन्होंने पुर्तगाल के रेडियो स्टेशन को नष्ट किया ताकि उनका संपर्क बाहरी दुनिया से तोड़ा जा सके। आगे चलकर उन्होंने गोवा के डेबुलिन हवाई अड्डों के रनवे पर लगभग 63 से भी ज्यादा बम गिराए। इस वाक्य को बयां करते हुए उस वक्त के अखबारों में ये छपा था, पहले राउंड में 63 से भी ज्यादा बम गिराने के बावजूद भी भारतीय वायुसेना चैन से नहीं बैठ रही थी। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने वहां फिर से हमला किया और इस बार 48 से भी ज्यादा बम गिराए। इसके आधे घंटे बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट विवियन गुडविन को हवाई अड्डे पर हुए नुकसान की तस्वीरें लेने भेजा गया। विवियन द्वारा लिए गए उन तस्वीरों से पता चला कि हवाई पट्टी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लिहाजा मजबूरन 18:40 पर डेबुलिन पर तीसरा हमला किया गया। बार बार किए गए इन हमलों के बावजूद भी भारतीय वायुसेना डेबुलिन के रनवे पर कुछ खड्डे ही बना पाई थी। ऐसे में पुर्तगाल सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने 2 यात्री विमान तैयार किए और अपनी बीवी बच्चों को कराची के रास्ते पुर्तगाल भेजने का बंदोबस्त किया। हालांकि रनवे अब कुछ हद तक खराब था, मगर फिर भी हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। खैर, 19 दिसंबर आते आते पुर्तगाल की सेना अब पूरी तरह से भारतीय सेना के गिरफ्त में आ गई थी। ऐसे में पुर्तगाल के जनरल सिल्वा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय आत्मसमर्पण के। लिहाजा 19 दिसंबर 1961 के रात 9:15 में जनरल सिल्वा आधिकारिक रूप से भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ठोल्लो को अपना आत्मसमर्पण पत्र दे देते हैं, जिसके बाद अब गोवा भी भारत का एक अहम स्टेट बन जाता है। तो ये थी ऑपरेशन विजय की कहानी। दोस्तों, गोवा को भारत में इतनी देरी से शामिल करने के निर्णय को पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा फेल्यूर माना जाता है। जहां एक ओर भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 2 सालों में ही 352 रियासतों को भारत में विलय कर दिया था, वही नेहरू को ये काम करने के लिए 13 सालों का समय लगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।